डिसाइड नहीं कर पा रही कि अगले डब्बे पे मैं मुगल स्टाइल वाला मिनिएचर करूं या पर्शियन स्टाइल वाला करूं जो ज्यादा डिटेल्ड होता है। आज आपकी रिपोर्टें बड़ी गलत पहुंची हैं मुझ तक। मैंने सुना आपने आज खाना जला दिया। किसने बताया आपको ये? अगर मैंने आपको अपने रिपोर्टर के बारे में बता दिया तो फिर मेरी खबर की एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी। फिर क्या किया? बाजार से मंगवाया। राबिया, मैंने सना को आपके बारे में बता दिया। और चीखे मार रही थी खुशी से, एक्साइटमेंट से। मुझे मिलना है सना से। एक छोटी सी फरमाइश की उसे, आपकी एक तस्वीर चाहिए प्लीज। तस्वीर नहीं। देखिए, मैं शरीफ आदमी हूँ, इसलिए मैं चाहता तो मैं फेसबुक से चोरी करके उसको दे सकता हूँ, मगर मुझे लगा ये अच्छा नहीं होगा। आप अपनी मर्जी से कोई एक तस्वीर आप जिसमें आपको लगे सबसे अच्छी लगने। लेकिन मेरी कोई भी तस्वीर अच्छी नहीं खींचती। मेरे दोस्त कहते हैं मैं तस्वीरें बहुत अच्छी खींचता हूँ, अगर आप ओके ट्राई करें, आप खुद देख लीजिएगा। इज दिस ओके? जी जी, आप सोचिए नहीं इस बारे में। इसमें परहैप्स अगर आप सिर्फ ये ना सोचें कि हम तस्वीर खींच रहे हैं, आप सिर्फ ऐसे ही जैसे आम जिंदगी में बैठे हुए हैं, मतलब क्या कि इधर अगर थोड़ा सा आप देख लें। I think you are right. आपको तस्वीर खिंचवानी नहीं आती। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम एक सेल्फी खींच सकते हैं। Maybe इकट्ठे होंगे तो शायद, you know, और फिर उसको इकट्ठे देख के सना सा अपना एनालिसिस भी दे सकती है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम अभी मौसम के हाल की खबरें सुनाना शुरू करेंगे। फिर आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं तस्वीर के बारे में। सब्जी आज कल सही रेट पे बिक रही है या रेट बढ़ा दिया लोगों ने? खिंच गई तस्वीरें? जी जी, मैं पूछने वाला था मिर्चों का क्या भाव चल रहा है। I got it. I think बढ़िया। ये लो भाई, आज मैंने तुम्हारी पसंद की दाल बनाई है। अच्छा बुआ, परेशान है तो है? पता नहीं बुआ। अरे घर में सब ठीक है ना? बीवी तो सही है कि नहीं? नहीं बुआ, बात कुछ और है, समझ नहीं आ रहा किससे करूं। कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं मार दी? नहीं नहीं बुआ। फिर क्या बात है, मुझे बताओ। दरअसल बात कुछ यूँ है कि रुमैसा भाभी जो है वो पीरी मुरीदी के चक्करों में पड़ गई हैं। वो एक पीर साहब के पास जाने लगी हैं और उन्हीं के कहने पर वो कब्रिस्तान भी गई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा ये बात मैं साहब को बताऊँ या नहीं बताऊँ। बातें कर रही है तो मैं क्या बेटा, ये रुमैसा है ना, इसने पहले ही घर में तूफान मचा रखा था, अब एक और बखेड़ा खड़ा करने वाली है वो। क्या मतलब? पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई ये लड़की। कोई बाबा आए में उनके पास जाती हैं, सुल्तान बता रहा था मुझे। अब उन्हें कौन समझाए? सही कह रही हो। अब देखो रात में ना घर वालों से छुप छुप कर अंधेरे में बाहर जाना अच्छी बात थोड़ी है, गलत बात है ये। कहाँ जा रही हैं छुपके? कब्रिस्तान अमल करवाने के लिए। बीबी को पता चला ना तो बहुत गुस्सा होंगी। तो जाती हैं तो जाने देना, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? मुझे भी नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो इस बात का अफसोस होता है ना कि वो फरियाद है ना उसको वो जबरदस्ती अपने साथ लेके जाती है। फरियाल को? अरे यही तो बताया सुल्तान ने
कि फरियाल नहीं जाना चाहती उनके साथ, वो जबरदस्ती बड़ी बहू जो है ना उनको लेकर जाती है अपने साथ। अच्छा बीबी को कुछ मत बताइएगा, मैं ईमन से बात करती हूँ, फरियाल से खुद बात करेगी। सही है, मैं ये पानी फेंक प्लीज बोल क्या थी दूसरा पानी। बहुत बहुत मुबारक हो अमन बेटा आपको, और रजा साहब आपको भी। अरे आपको भी बहुत मुबारक हो सब। ये सब मेरी बेटी की कुर्बानियों का नतीजा है। अरे नहीं सफदरंग, आप ही तो कहते थे कि हमेशा जीत सच की होती, और देखिए जो सबक आप बच्चों को पढ़ाते थे वो आज सच हो गया। अब जल्दी काम शुरू करवाते ताकि जल्द अज जल्द स्कूल मुकम्मल हो जाए। हम भी यही चाहते थे कि जब आप आए तब हम काम शुरू करें। ये सही कह रही शेरी बजिया, बस अब बिस्मिल्लाह करें मैं आ गई हूँ ना। अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ। ठीक हो? ठीक हूँ। नाराज हो अब तक? मैं जानता हूं तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट लेके आया हूं। उस दिन तुम्हारा यूं सुन लेना कि मैं तुमसे, और फिर वहां से यूं नाराज होकर चले जाना, और फिर तुम्हें गोली लग जाना। क्या कहना चाह रहे हो अरमान? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, देखो मैं हकीकत को नहीं बदल सकता, जो है वो है, लेकिन मैं सुधारना चाहता हूँ सिचुएशन को, हालात को बेहतर करना चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही। देखो इस सारे वक्त में मैंने बहुत सोचा है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स करे। क्या हम वापस दोस्त बन सकते हैं प्लीज? इतना सब कुछ जान लेने के बाद वापस दोस्त बन जाएं? ये इतना आसान नहीं है अरमान। आसान नहीं है पर नामुमकिन भी तो नहीं है। कोशिश करते हैं ना। चलो लेट्स ट्राई, लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, लेट्स बी फ्रेंड्स प्लीज। वापस जा रहे हो तुम? दादी ने बताया। हाँ डैडी का बिजनेस है, सब उल्टा पुल्टा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, और ये यहाँ पे ट्रस्ट का स्कूल का काम वो सब का क्या? उसके लिए तो मौन है यहाँ पे, और ये सब कुछ तो वैसे भी मैं वहाँ पे बैठ के भी देख सकता हूँ। शादी का मिशन, उसका ख्वाब, अब सब सिर्फ तुम्हारा। I'm always there for you as a very strong support. Thanks. बहुत हिम्मत दिखाई है मैंने। I'm sure आप सबको उस पर बहुत फख्र होगा। बहुत ज्यादा, अरमान ने भी बहुत साथ दिया है उसका। बहुत बड़ा काम किया उसने।
छोटी सी चीज लाया था आपके लिए। आप हर वक्त क्यों कुछ लाते हैं? अब पहले तो मैंने सिर्फ आपको पुरानी किताबें दी हैं, ये नया खरीदा। बहुत खूबसूरत है हसन। थैंक यू। फिर सोच में पड़ गए आप? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरी वजह से इस घर में कोई तूफान ना खड़ा हो जाए। राबिया, अगर आपके दिल में कोई बात है तो आप मुझसे खुल के कर सकते हैं। भाई साहब के सामने बात करने की हिम्मत मुझ में कभी भी नहीं थी और अब भी नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि शायद मेरी वजह से भाई साहब और बीबी के बीच में कुछ बदमजगी ना हो जाए। को लगता है आपके दिल में मेरे लिए जो एहसास है क्या वो गलत है? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर डर क्यों लग रहा है आपको? मैं 10 साल इस घर में रही हूँ, ये मेरी फैमिली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ पहुंचे, कोई भी परेशान हो। हमारी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। चाय बहुत अच्छी है लेकिन मुझे एक जगह पहुंचना है। okay. अरे वाह। आज मुझे वो पुराना वाला अरमान नजर आ रहा है। पुराना वाला? नया वाला कौन सा था? वो जो उदास रहता था सारा वक्त इतने दिनों से, उसको मैं आज बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी और एमन की फिर से दोस्ती हो गई है। बात की उसने? की? एक बात कहूँ बेटा? मुझे पता है आप क्या कहेंगी, जिससे प्यार होता है उससे दोस्ती नहीं होती। लेकिन ना ही मेरा प्यार कभी इतना खुदगर्ज था और ना है। एक कुर्बानी मैंने एमन के लिए दी, एक कुर्बानी मैंने शादी के लिए दी। अब एटलीस्ट दोस्ती तो मेरे पास रह सकती है ना। प्यार के पीछे पड़ जाऊंगा तो दोस्ती से भी हाथ धोना पड़ेगा। दोस्त बन के एटलीस्ट साथ तो रह सकता हूँ। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, खुश रहो। एक और गेम जीतना है ना मैंने। राबिया के आगे कोई औलाद नहीं है, मेरा साया उठ जाएगा तो क्या बनेगा उसका? रुमैसा की तबीयत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, संभाल पाओगे उसको? आप मेरे और एमन के लिए तो कुछ नहीं कर पाए, चाची के लिए सोचिएगा। जो हमसे रूठ गया
अब उसका हाल बताए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताए क्या, कोई मेहर नहीं कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, एक आग गमी तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई, एक आग गमी तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई, जब जिस्म ही सारा जलता हो फिर दामने दिल को बचाए क्या, जब जिस्म ही सारा जलता हो फिर दामने दिल को बचाए क्या। कितना अच्छा लग रहा है रजा, आज कितने दिनों बाद एमन गुनगुना रही है। आज एमन घर वापस आ गई। और ये सब अरमान के खलमदाना फैसले का नतीजा है। बात हुई थी दोनों में। आज अरमान आया था तो उसने एमन से बोला है कि हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। और एमन मान गई। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है ना रजा, कि आज उसने इतने दिनों बाद अरमान से बात तो की, नहीं तो इतने अरसे से तो वो बात ही नहीं कर रही थी उससे। ये भी सब वक्त ने ठीक किया है। तभी तो कहते हैं ना, तूफान जब जोर में हो तो उसके मुकाबले में खड़े नहीं हो जाना चाहिए, एक तरफ होके उसके थमने का रुकने का इंतजार करना चाहिए। अब देखो ना, अरमान ने जो बात की है, हो सकता है उससे एमन के गुस्से का तूफान खत्म हो जाए। और शायद अरमान और एमन हमसे कोई अभी बात नहीं करेगा, कोई कुछ सजेस्ट नहीं करेगा। वो दोनों जिस तरफ चल रहे हैं उन्हें खुद से चलने दीजिए। जिंदगी खुद ये तय करेगी कि उन्हें किस तरफ ले जाना है और कैसे ले जाना है, कहाँ ले जाना है। ये ना हो कि हमें से कोई बात करे और उनकी ये दोस्ती भी खत्म हो जाए। नहीं नहीं, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था ऐसा। बस मैं ये चाहती हूँ कि हेमन खुश रहे। अहमदा जी, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अपने शोहर को कैसे समझाऊं? जब तक वो मान नहीं जाते, उन्हें समझाएं कि आपकी बेटी भी जा सकती है आपके बेटे के साथ, इस तरह आने जाने का भी मसला नहीं होगा। जी चले, अगर आप कहती हैं तो मैं दोबारा बात करके देखती हूँ। चल जबरदस्त, मान जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है जी। चाचा ये जो टाइल्स हैं ये ऊपर कमरे में रखवाने, और जो पहले पड़े हुए थे वो इधर थर्ड कॉरिडोर में रखवाने। थैंक यू। मेरा शादी तो चला गया पर मेरा अरमान अपनी माँ को अकेला नहीं पड़ने देता। इसको ये वाला कपड़ा जो है ना, इसको इसके साथ जोड़ना है, जैसे सैंपल में था, याद है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक हूँ, थकी हुई लग रही हो बहुत। कुछ मंगवाऊं किचन से?
दिन कैसा गुजरा? काफी बोर दिन था, कुछ खास हुआ नहीं आज। बड़े डैडी से बात की? नहीं। क्यों अभी तक नहीं की? पता नहीं भाई, शायद मैं डरती हूँ, I don't know। कब तक डरती रहेंगी, कब तक दूसरों का ख्याल करती रहेंगी? मैं बात करूंगी उनसे। तुमसे एक बात पूछूं? तुम हमेशा इस मामले में मुझे बहुत सेंसिबल एडवाइस देती हो, लेकिन अपने आप को क्यों रोका हुआ है तुमने? जिंदगी गुजार लोगी अकेले? सोचा इसके बारे में? अकेली कहा हूं, रूहान है, ट्रस्ट है, और कितना कुछ है करने के लिए, टाइम कहाँ है मेरे पास? मुझे तसल्ली दे रही हूँ या अपने आप को? एमन, रूहान अरमान के पास है, कह रही थी कि प्यारे लग रहे हैं दोनों, कैसे मजे में खेलता है वो है अरमान के साथ। मैं तो उसे लेने आई थी, अब दिल ही नहीं चाह रहा। तो रहने दो ना बेटा, थोड़ी देर खेल रहा है, जब थक जाएगा सोने लगेगा तब ले जाना है। चलो मेरे पास कमरे में बैठ के बातें करते हैं, आओ। यहाँ क्यों है? जब तुम जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? मामा, आपने तो कहा था डॉक्टर के पास जाना है, मैं इसलिए आपके साथ आई हूँ। अगर मैं तुम्हें सच बताती तो तुम मेरे साथ कभी ना आती, इसलिए मैंने ये कहा है। अब शाबाश, गाड़ी से उतरो, मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये आदमी मुझे बहुत अजीब सा लगता है। बेटा, मैं तुम्हारी माओ में किसी ऐरे गहरे के पास तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी। और ये अरमान को भी जो होश आया ना, तो बाबा की दुआओं से आया है। मामा प्लीज। फरियाल, अगर तुम्हें मुझसे जरा सा भी प्यार है ना, तो तुम मेरे साथ चलोगी। आज बाबा तुम पे अकेले में दुआ करेंगे, और पर आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं पूछूंगी। हाँ, चलो शाबाश, चलो। अरमान, वो रूहान की तरह दादी के पास है। मुझे तुमसे एक बात करनी है। अंदर आओ प्लीज, बैठो। पता नहीं तुम्हें ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन क्या बात है, खुल के बोलो। बड़ी मामा आजकल एक पीर के पास जा रही है फरियाल को लेकर। फरियाल काफी रिलक्टेंट है, लेकिन पता नहीं क्यों वो लेकर जाती है उसे, वो दुआ करवाने के लिए, कब्रिस्तान, अमल वगैरह सब कुछ ठीक नहीं है। What? मुझे रापे चची ने बताया। तुम्हें? और ये सब कुछ फ्रॉड होता है, ये ठीक नहीं हो रहा। इससे पहले कुछ नुकसान हो, हमें कुछ करना चाहिए। तुम्हें पता है अभी भी बड़ी मामा फरियाल को लेकर अभी अभी निकली है। तुम ड्राइवर से पूछो, हम जाते हैं।
बाबा इसकी क्या जरूरत थी? मैंने भी पीना था, गर्मी बहुत है, आप लोग भी पी लें। मैं अकेले में सब दम करूंगा। मामा दम अकेले में नहीं होगा। घबराओ नहीं, जाओ पापा के साथ जाओ, सिर्फ दम करेंगे। जाओ कर रही हूँ यहाँ। बड़ी मामा फरियाल वो कहाँ पे? बाबा दम कराने के लिए लेके गए। किधर? कमरे में। तो आप क्यों नहीं गए उसके साथ? वो कहे थे वो अकेले में करेंगे दम। क्या क्या हुआ है? क्या हुआ अरमान? क्या काम है? Thank you.
بہت افسوس ہوا مجھے آج, بہت رنج ہوا. میری ساری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے اور پھر بھی تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا مجھ سے. اگر ایمن کو وقت پہ پتا نہ چلتا تو ہم کہاں کھڑے ہوتے آج. حد ہوتی ہے, تم نے ہر چیز کی حد مار کر دی. یہ میری بیٹی کی عزت کا معاملہ. بس کرو سلمان. کیا بس بی بی, کیا بس؟ میری تو روح کانپ جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے. شادی شادی شادی, اگر بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو کون سی قیامت آ گئی. میں نے کہا نا بس کرو. یہ ماں ہے بچی کی, اتنی سوچ سمجھ کے یہ کام نہیں کیا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہماری بچی کو کچھ ہوا نہیں. بی بی, بی بی مجھے معاف کر دے, پتہ نہیں کب میں اتنی گر گئی, میری بچی بچ گئی. پلیز مجھے معاف کر دے. مجھ سے کیا معافی مانگ رہی ہو, خدا سے معافی مانگو. کم عقیدے میں تم نے کسی کو اس کا شریک بنا لیا. لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری فریال کو کچھ ہوا نہیں. ارے یہ تو پیشہ ہوتا ہے ان کا, ایسے لوگ تو عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں. بس اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عزت بچ گئی, ہماری فریال کو کچھ نہیں ہوا. اب اسے تم سبق سیکھو. لیکن آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ ارے بیٹا, میں تو اپنے کسی بچے کے ساتھ خفا نہیں رہ سکتی. دیکھو جیسے فریال تمہاری بیٹی ہے نا, تم اور رابعہ بھی میری بیٹیاں ہو, میری بہویں نہیں ہو. رابعہ چچی لائے دیں, اس کو میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہوں. بھوک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھوک؟ ایسا کیا ہو گیا جو تمہاری بھوک اڑ گئی ہے؟ صحیح تو کہہ رہی ہے ایمن, تو اللہ نے بچا لیا, اب کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے تمہیں بیٹا؟ مجھے گھن آ رہی ہے اپنے آپ سے. نہیں فریال. فریال کس بات کی گھن؟ گھن تو اس سے آ رہی ہے جو اللہ کے نام پہ ڈھونگ رچا کے بیٹھا تھا. اگر تم نہ ہوتی تو آج پتہ نہیں کیا ہو جاتا. ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں ہوں نا, اور جو ہوا نہیں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو تم؟ بھابھی اندر آ جائیں نا پلیز. بڑی ماما آئیں, بیٹھے. بھابھی ادھر آ جائیں, فریال کے پاس بیٹھے, میں آتی ہوں. کیا ہوا, اسے کیوں کر رہی ہیں؟ ماں بہت بری ہوں, بہت بری ہوں. نہیں آپ بری نہیں ہیں. اتنا گر گئی تھی اپنی اولاد کی عزت, بہت بری. بری نہیں ہے, ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. ماما ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. اچھا آپ رو لیں, اپنے آپ کو ہلکا کریں, لیکن ہم میں سے کوئی بھی آپ کو برا نہیں سمجھ. اچھا سنیں, اٹھیں میرے ساتھ کھانا کھانے چلیں. چلیں لیٹس گو.
तुम खाओ। मुझे शुक्राने के नफल पढ़ने फरियाल के। ओके, ठीक। लेकिन मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हम साथ खाना खाएंगे। जी। ओके।